आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो हो सकता है कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे काफी टाइम से आपका लोन वहाँ पे ब्लॉक पड़ा हो, या एक साल से पड़ा हो, या छह मंथ से पड़ा हो, तो कैसे आप इस लोन को यहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसके लोन को यहाँ पे अनब्लॉक करके दिखाऊंगा। और काफी लोगों को इसकी प्रॉब्लम का सामना भी यहाँ पे करना पड़ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हमारे को लोन मिल जाता है, तो सेकंड टाइम जैसे हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट हमारा लोन वहाँ पे डिक्लाइन हो जा रहा है। तो सारे मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका काफी दिन से लोन ब्लॉक पड़ा है, या बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे आपको लोन नहीं मिलता, या आप सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलता, अगर आपका क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे लोन अभी भी चल रहा है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपको भी यहाँ पे सेकंड टाइम लोन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे कई लोगों का मेरे पे यहाँ पे मैसेज आया था कि हम जब यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे लोन मिल जाता है, जिसकी ईएमआई भी यहाँ पे 6 से 7 मंथ की यहाँ पे बनती है, और उसकी रिपेमेंट हम एकदम टाइम से करते हैं, कोई भी ईएमआई को डिले नहीं रखते। तो उसके बाद हम दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पर हमारे को वहाँ पे लोन नहीं मिलता। तो यहाँ पे लोगों का गलती क्या करते हैं कि जब हम लोन के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो जब हमारा लोन वहाँ पे अप्रूवल होता है तो हमारा सिबिल स्कोर कितना होता है, तब अपने सिबिल स्कोर को वहाँ पे नहीं देखते। जो हमारा सिबिल स्कोर होता है कम से कम 600-700 हमारा सिबिल स्कोर होता है। तो 600-700 सिबिल स्कोर के ऊपर यहाँ पे क्रेडिट बी एप्लीकेशन हमारे को 14 से 15 हजार रुपए का यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दे रही है, और अब उसकी रिपेमेंट भी हमने टाइम से की। और 6 मंथ के अंदर आपने कितने लोन यहाँ पे अप्लाई किए, कितने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कि हो सकता है कि किसी की ईएमआई को भी आपने डिले कर दिया हो, और उसके बाद आप दोबारा जाके आप 6 मंथ के बाद दोबारा लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो हो जाता है वहां पे डाउन। तो डाउन होने की वजह से जैसे आप लोन के लिए दोबारा से प्रोफाइल डालते हो तो दोबारा से आपका जो सिबिल स्कोर है वहां पे फैच होता है, तो उसके अंदर आपको काफी सारी इंक्वायरी वहां पे देखने को मिलती है। अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर काफी सारी इंक्वायरी आ चुकी है, कहीं कहीं बार बार जाके आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, प्ले स्टोर पे काफी एप्लीकेशन यहां पे आ चुकी है, तो वहां पे भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं मिलने वाला। अगर आपका लोन हाल ही में अभी चल रहा है तो आपको ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करनी, आपको काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन वहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके उनको लोन एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, काफी सारी एप्लीकेशन मिलती है, लोन के लिए अप्लाई करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते रहते हैं, उनके कारण उनके जो सिबिल स्कोर के ऊपर काफी सारी इंक्वायरी आ जाती है, और काफी सारी इंक्वायरी आने के कारण उनका सिबिल स्कोर वहाँ पे डाउन हो जाता है। और जब दोबारा से प्रोफाइल को वहाँ पे चेक जाता है तो यहाँ पे लोग यही सोच, मतलब क्रेडिट बी एप्लीकेशन या काफी लोग यही सोचते हैं कि इसको बंदे को बहुत ज्यादा लोन की जरूरत है और काफी सारे इसने यहाँ पे लोन अप्लाई कर दिए, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी वहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। तो यही कारण है क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोन वहाँ पे डिक्लाइन होने का। तो क्या इस लोन को हम अपने तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं, तो इस लोन को आप अनब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आपका 1 साल से भी लोन वहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, या 1.5 साल से ब्लॉक पड़ा है, या आपका लोन यहाँ पे 6 मंथ के लिए ब्लॉक हुआ है, तो जब भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो इंस्टेंट आपको वहाँ पे लिमिट मिल जाएगी, और आपके जो व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि अब आप लोन के लिए इलिजिबल हो चुके हैं और अब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मेथड नहीं है तो कि आप एक क्रेडिट बी एप्लीकेशन के लोन को वहाँ पे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो आपकी बात नहीं होगी, मेल भी करेंगे तो भी आपकी यहाँ पे बात नहीं होगी। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसके यहाँ पे मतलब सिर्फ हम इसको अनब्लॉक कर सकते हैं सिबिल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी दोबारा से। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।